और दिवाली के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटे के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां ओम बिरला ने अलग अलग वार्ड में पहुंचकर मरीजों से बातचीत भी की, उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके तीमारदारों से भी जानकारी ली है। बिरला ने सभी मरीजों से मिलकर के जल्द स्वास्थ्य लाभ के साथ दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में सबसे बेहतरीन चिकित्सा सुविधा यहाँ मिल सके। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, मेडिकल कॉलेज लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे और यहां पर मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना। आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ के साथ ही उन्होंने जो है दिवाली की भी बधाई लोगों को दी। दिन है और दिवाली के दिन कई अलग अलग गांव शहर से लोग कई बीमारियों के कारण, कई लंबी बीमारियों के कारण, अस्मात बीमारियों के कारण एडमिट है, पर उनसे आके मिले हैं। हर व्यक्ति घर पे दिवाली मनाना चाहता है, लेकिन इलाज भी आवश्यकता है और हम सब उनके कुशल होने की कामना करते हैं, जल्दी कुशल हो और उनके घर में भी दिवाली मने। और अब बात दिवाली की करेंगे। जोधपुर में दीपावली के मौके पर शहरवासियों को सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सामान उपलब्ध कराने के लिए सहकारी मेला जो है वो लगाया गया है। करीब मेले में लगी पटाखे के स्टॉल पर विशेष तौर पर भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पटाखे 60-80% छूट पर बेचे जा रहे हैं और मेले का जायजा लिया संवाददाता चंद्रशेखर ने, देखिए। दीपावली का त्योहार है और शहर के बाजार गुलजार है। अगर बात करें तो 8 साल बाद एक बार फिर सहकारी बाजार की तरफ से मेला लगाया गया है, जहां पर शहरवासियों को कम दाम में और अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ है विक्रम सिंह जी राठौड़ साहब। सर, 8 सालों के बाद एक बार फिर जो है सहकारी बाजार का बाजार गुलजार हुआ है, तो इसको शुरू करने के पीछे क्या मंशा है और क्या शुरू करने के लिए पीछे तो यही मंशा है कि जनता को अच्छे पटाखे मिले, सस्ते दाम पे मिले और मेले में और भी चीजें हैं जैसे सुपारी है, चूर्ण है और नमकीन वगैरह है, मिठाई वगैरह है जो सस्ती दाम पे मिले, यही मकसद है भंडार का। जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो कि भंडार और भी कार्य जो काम कर रहा है, जैसे सस्ती मेडिसिन दे रहा है, सस्ता किराना दे रहा है, तो उसी संदर्भ में एक बार वापस इस मेले को वापस शुरू किया गया, जिसमें पटाखे 65-80% तक लेस दे रहे हैं और उसका आप देख लो कि पब्लिक में भी काफी उत्साह है। और भंडार ने सिर्फ भंडार के नाम से एक यही काउंटर है, कई लोग भंडार के नाम से और भी काउंटर लगा रखे हैं, तो ये जनता से अपील है कि भी भंडार का सिर्फ सहकारी बाजार में ही काउंटर है। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से आपने बताया था कि जो मेडिकल सस्ते दाम पर मिलती है, किराना का सामान सस्ते दाम पर मिलता है और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, लेकिन ये त्योहार के मौके पर जिस तरह से आपने शुरू किया है ये पटाखे है, इसके अलावा जो दीपावली के दौरान काम में आने वाली सारी तमाम चीजें यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रही है, तो जो शहरवासी है उनको उनका उनमें किस तरह का फेस देखने को मिल रहा है? अच्छा है, उस मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स है, हमें आ रहे हैं लोग बाग। अब 8 साल के बाद में वापस शुरू किया तो एक जनता में उत्साह भी है, पहले सहकारी बाजार में लगता था, वापस हमने इसको शुरू किया तो मतलब इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दीपावली के अवसर पर भगवान सीताराम और मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी जोरों पर है और इस अवसर पर अजमेर के बाजारों में जम करके खरीदारी की जा रही है। पूजा की सामग्री के साथ ही आपको बता दें कि जो है लोग सजा और गन्ने जम करके खरीदे जा रहे हैं और पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने अजमेर के नया बाजार पुरानी मंडी चूड़ी बाजार स्थित तिराहे से खरीदारी करने पहुंचे लोगों से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। देश भर में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आज और कल 2 दिन यहाँ पर जो है दीपावली मनाई जा रही है और दीपावली के अवसर पर खरीदारी का जोर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त जो है नया बाजार, पुरानी मंडी और जो चूड़ी बाजार है उसके मुख्य तिराहे पर मौजूद हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं, उनकी आवाजाही जो है वो बाजारों की ओर बढ़ती जा रही है। दोपहर का समय है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास हो और
भगवान श्री राम और सीता का आगमन हो उसको लेकर जो है पूजा की सामग्री वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर कमल है और जो पूजा के अलग अलग जो सीताफल है, आंवला है, पुष्प है और तमाम जो चीज़ें इस पूजा में शामिल होनी है उन सभी को यहाँ पर सजाया गया है, उनको सबको रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी जो आप देखेंगे तो पूजा की सामग्री ही आपको दिखेगी और इसकी खरीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो फूले हैं या फिर जो मिठाइयां हैं जो पहले चलती थी उन सभी की खरीदारी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है और इसको लेकर जो है बाजार में रौनक भी बढ़ती जा रही है। व्यापार संघ के शहर प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो तैयारी है वो इस दौरान की जा रही है और क्या इस बार दीपावली किस तरह से आज या कल दोनों दिन मनाई जा रही है। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को के साथ साथ अजमेर वासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि सर्वविदित है देश का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार दीपावली का पर्व आज मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से कन्फ्यूजन चल रहा था लेकिन आज वो कन्फ्यूजन दूर होकर के आज के दिन ही दीपावली का पर्व संपूर्ण भारत के अंदर एक साथ मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से आमजन में, ग्राहकों में, व्यापारियों में इसको लेकर भारी उत्साह है और हम आपके चैनल के माध्यम से परमपिता परमेश्वर लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माता से ये आग्रह भी करते हैं कि जो भी हैं वो सब खुशहाल मंगल रहे। और राजधानी जयपुर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं, लोग लक्ष्मी पूजन के साथ दूसरी जरूरत के सामान खरीद रहे हैं। देखिए दीपावली के पर्व की न्यूज 18 के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी जानते हैं दिवाली का पर्व है और ऐसे में बाजारों में रौनक है, लक्ष्मी पूजन की तैयारियां है, कुछ ही समय में लक्ष्मी पूजन होगा और उसको लेकर लोग बाजारों में पहुंच चुके हैं। वहीं आप देख सकते हैं फूल माला से लेकर दीपक, दिए, बेल पत्र की जो मालाएं हैं, पान की जो मालाएं हैं वो लोग घर पर लेकर जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। लोगों से हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन की क्या तैयारियां है। सर, लक्ष्मी पूजन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? इनको बोलो भाई साहब, क्या चल रही है? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। अब की बार हर साल से ज़्यादा माहौल अच्छा लग रहा है, खरीदारी भी अच्छी हो रही है। लेकिन अब की बार दो दिन की दीपावली के चक्कर में लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं भाई कौन सी दिवाली मानें। आप आज कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन? हम आज ही मनाएंगे लक्ष्मी पूजन। देखिए लोगों को कन्फ्यूजन है लेकिन आज भी मुहूर्त है और कल भी मुहूर्त है, लेकिन जयपुर के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कहा जा रहा है कि आज अमावस्या है तो आज ही अमावस्या की रात पर श्री राम अयोध्या लौटे थे, दीपक जलाए गए थे, तो ऐसे में आज ही दिवाली मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं आप लोग फल फ्रूट भी खरीद रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पूजन में फल फ्रूट रखने से धन धान्य की समृद्धि होती है। तो जी क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी तैयारियां चल रही है? तैयारियां बहुत बढ़िया है, दीपावली की बहुत उल्लास से मनाया जाता है त्यौहार, सभी बाजार में खरीदारी चल रही है। क्या फल फ्रूट खरीदने आए आप? ये पूजा की सामग्री में 5 फल इसमें माता जी को अर्पित किए जाते हैं। 5 फल का क्या महत्व रहता है? 5 फल माता जी के अर्पित किया जाता है। जी कौन कौन से फल खरीदे आप? इसमें नारंगी हो गई, केला हो गया, सेब हो गया, सीताफल होता है, शकरकंदी है, बोर है, इस तरह के 5 आइटम माता जी को अर्पित किए जाते हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे, आज दिवाली की क्या प्रिपरेशन है? बहुत अच्छी चल रही है लेकिन महंगाई कुछ ज्यादा है, लेकिन दूसरी ओर पर्व का उल्लास भी। हाँ उल्लास तो बहुत तगड़ा है। देखिए दूसरी ओर शहर में अगर बात करें तो राजधानी भी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है हमारी राजधानी, और यहाँ पर रात में लाइटिंग होती है, लाइटिंग पूरे बाजार को राइजिंग राजस्थान की थीम पर सजाया गया है, बड़ी बड़ी झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई है, हर कोई इस पर्व को लेकर उत्साहित है और फूल माला से लेकर दीपक वालों तक जो है लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लक्ष्मी पूजन की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से की जा रही है। बाजार के कुछ इस तरह की रौनक है, हर जगह भीड़ है, मिठाई की दुकान से लेकर कपड़ों की दुकान पर, और अभी फिलहाल फूल माला और गन्ने के लोग खरीद रहे हैं क्योंकि शाम को लक्ष्मी पूजन है और ऐसे में कुछ ही समय शेष है, तैयारियां जोरों पर चल रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। और दिवाली पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों में सुबह से ही माथा टेकने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोटा के एक बेहद खास 400 साल पुराने लक्ष्मी मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है। जितना पुराना ये मंदिर है उतनी ही बड़ी यहाँ की मान्यता है। कमल पर विराजमान खड़गासन मुद्रा में देवी की प्रतिमा और खास मंदिर के दर्शन का बड़ा महत्व है। देखिए पर्व पर यही मनोकामना देवी लक्ष्मी से की जाती है और कोटा के एक बेहद खास मंदिर में हम आपको लेकर के आए हैं जो देवी लक्ष्मी का मंदिर है। 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और जहां देवी खड़गासन मुद्रा में है, कमल पर विराजमान है। खास पूजा आज दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी के दरबार में आज की जा रही है। ये किशोरपुरा इलाके का देवी लक्ष्मी का मंदिर है जिसकी मान्यता भी
उतनी ही है जितना प्राचीन ये मंदिर है। जैसा मैंने बताया कि ये प्रतिमा 400 साल पुरानी है और आज सुबह चूंकि दिवाली का पर्व है तो बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, देवी लक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं और देवी लक्ष्मी के दर्शन यहाँ पर करके आशीर्वाद यहाँ पर देवी लक्ष्मी से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया प्रतिमा भी अपने आप में खास है, खड़गासन मुद्रा में है, कमल पर विराजमान है और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पंडित जी क्या मान्यता है इस देवी लक्ष्मी के दरबार? धन जानने की देने वाली माई है, विशेष शादी ब्याह के यहाँ विशेष महत्व होता है, कोई नारियल रख के जाते हैं तो उनकी शादी ब्याह पुण्य प्रभाव से हो जाता है। आज किस तरह से पूजा देवी? आज सुबह 5 बजे अभिषेक हुआ इनका, अभी 9 बजे भी आरती हुई और रात को 12 बजे महाआरती हुई, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आज लोग विशेष मनोकामना के लिए आते हैं? आज तो विशेष है, तो ये तो धन देने वाली देवी है, सब कुछ देने वाली माई है। बिल्कुल, देवी लक्ष्मी धन धान्य का आशीर्वाद देने वाली ही देवी है और इसी की कामना के लिए देवी लक्ष्मी के दरबार में जो तमाम लोग हैं वो हाजिरी लगा रहे हैं, मनोकामना जो है वो देवी के सामने रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपने भी किए देवी लक्ष्मी के खास मंदिर के दर्शन जो कि 400 साल पुराना है और साथ में धन धान्य का आशीर्वाद देने वाली देवी लक्ष्मी जिसकी मान्यता अपने आप में अद्भुत है, खास है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18। और सीएम बजरलाल ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो शेयर कर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि दिवाली की रौनक, राजस्थान की शान, मैं बजरलाल शर्मा आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन पर्व पर मैं आपको राजस्थान की सुंदर संस्कृति और विरासत का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दिवाली के इस पावन अवसर पर मेरी और राजस्थान सरकार की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियों भरी दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो ये सीएम बजरलाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जो है प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी है। आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं, सीएम बजरलाल ने लिखा है कि दिवाली की रौनक, राजस्थान की शान, मैं बजरलाल शर्मा आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन पर्व पर मैं आपको राजस्थान की सुंदर संस्कृति और विरासत का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दिवाली के इस पावन अवसर पर मेरी और राजस्थान सरकार की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियों भरी दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। दिवाली की रौनक, राजस्थान की शान, सीएम बजरलाल की तरफ से एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है। मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीएम बजरलाल ने जो है दिवाली की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में दिवाली का जो त्योहार है धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोशल साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट करके जो है सीएम बजरलाल ने दिवाली की शुभकामनाएं जो है प्रदेशवासियों को दी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए जो वीडियो सीएम बजरलाल की तरफ से पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दिवाली को देखते हुए भीलवाड़ा जिला प्रशासन अलर्ट है और पटाखों के कारण कहीं हादसा नहीं हो इसकी मॉनिटरिंग खुद जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा की जा रही है। दिवाली के लिए भीलवाड़ा में 3 जगहों पर पटाखे की अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राजेंद्र मार्ग में लगी अस्थायी पटाखे की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और दुकानों के बाहर रखे हुए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, पानी के ड्रम व रेत के बारे में दुकानदारों से जानकारी भी ली है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बड़े मैदानों के अंदर ही पटाखों की दुकान एक साथ लगवाई जाती है और छोटी गली मोहल्ले के अंदर लाइसेंसेस नहीं दिए जाते, पर अभी हाल ही में कुछ जगहों पे पटाखों की दुकान पे आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए चेयरमैन साहब, मेयर साहब और सारी टीम द्वारा एक बार ये देखने के लिए कि क्या दुकानदारों की व्यवस्था है कि कोई छोटी मोटी अगर कोई आग जलने की घटना हो तो उसको त्वरित निपटारा हो सके। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, अशोक गहलोत और जोगाराम पटेल की मुलाकात सर्किट हाउस में, पूर्व सीएम और विधि मंत्री की ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि विधि मंत्री जोगाराम ने साफा पहना करके गहलोत का स्वागत किया है। दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई भी दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर जोधपुर की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जोगाराम पटेल और अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। दोनों की जो है मुलाकात हुई है, दिवाली की बधाई दोनों ने एक दूसरे को दी है। सर्किट हाउस में पूर्व सीएम और विधि मंत्री की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। आप देखिए मिठाई खिला करके दिवाली की बधाई जो है जोगाराम ने दी है अशोक गहलोत को, साथ ही साफा भी पहनाया है।